हाय दोस्तों, कैसे हो सब? और क्रिएशन स्टूडियो के इस नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको भी गार्डनिंग का शौक है तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप घर पे एलोवेरा को कैसे उगा सकते हैं आसानी से। आप ये जो स्क्रीन में देख रहे हैं, ये है नारियल, और आज हम आपको बताएंगे कि आप वेस्ट नारियल को कैसे यूज कर सकते हैं और आप कैसे वेस्ट नारियल से घर पे आप गार्डनिंग कर सकते हैं। अगर आप एलोवेरा के और फायदे जानना चाहते हैं तो आप हमारी वीडियो चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे मेंशन किया हुआ है। दोस्तों, एलोवेरा को ग्रो करने के लिए बहुत जगह की जरूरत नहीं होती, वो कम जगह में भी ग्रो कर सकता है। तो आप देख सकते हैं जो नारियल है, नारियल के बीच में जो खाली जगह है वहाँ पे आप एलोवेरा को आसानी से ग्रो कर सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा स्पेस नहीं है ग्रो करने के लिए, या तो आप कोई गमला नहीं लगाना चाहते एलोवेरा के लिए। और आप देख सकते हैं एलोवेरा बिल्कुल हरा है, और आप घर पे क्रिएटिविटी भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप नारियल के छिलके के ऊपर पेंट भी कर सकते हैं, और आप इस टेक्निक से वेस्ट नारियल, जिससे कि आप पानी पी चुके हैं, उसे आप रिसाइकल कर सकते हैं। और आपको बताना चाहूँगा, ऐसे एलोवेरा ग्रो करने के बहुत से फायदे हैं। आप जब पानी देंगे तो जो नारियल की जो छाल है वो भी पानी सोख लेगी, और जब एलोवेरा को पानी की जरूरत होगी वो नारियल से पानी ले लेगा। ऐसे आपको डेली पानी देने की जरूरत नहीं है, अगर आप चाहें तो अल्टरनेट डेज पे भी पानी दे सकते हैं, और एलोवेरा खुद ही पानी सेव भी करके रखता है। तो इस टेक्निक से आपके एलोवेरा की लाइफ और बढ़ जाएगी। ऐसे एलोवेरा को ग्रो करते समय आप कंपोस्ट का इस्तेमाल कीजिए, और मैंने अपने एलोवेरा के लिए लिक्विड खाद तैयार की हुई है। ये हफ्ता पुरानी खाद है, इसमें मैंने पानी के साथ गोबर मिक्स किया हुआ है, जो कि हमारे पौधों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। अगर आप लिक्विड खाद का प्रयोग कर रहे हैं तो आपको अपने पौधों को अलग से फर्टिलाइजर डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आपके पौधे हमेशा हरे ही रहेंगे। और आप ये देख सकते हैं, ये घर में तैयार किया गया कंपोस्ट है, जिसमें सिर्फ किचन वेस्ट है। अगर आप घर पे कंपोस्ट तैयार कर रहे हैं तो एक बात का जरूर ध्यान रखें, आप कच्चे वेस्ट का ही यूज कीजिए, और नींबू संतरे छिलकों का प्रयोग मत कीजिए, क्योंकि जो अर्थवर्म होते हैं वो नमक से मर जाते हैं, और अगर आप नींबू भी डालेंगे तो उससे भी मर जाते हैं। और जो कंपोस्ट होता है उसमें सबसे जो मुख्य काम होता है वो अर्थवर्म द्वारा ही किया जाता है। ये बात बहुत कम लोगों को मालूम होती है कि हमें पके हुए खाने का प्रयोग क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें नमक होता है, इसलिए हमें उसे यूज नहीं करना चाहिए कंपोस्ट बनाते समय। ऐसे हमारा एलोवेरा का पौधा बिल्कुल तैयार है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।